बाल बाल हम सभी की सुंदरता का और हमारी स्वास्थ्य का एक प्रतिबिंब होते हैं, यानी कि बाल ही हमें बताते हैं कि हम कितने स्वस्थ हैं। कौन नहीं चाहता कि मेरे बाल काले बने रहें, मेरे बाल इतने सुंदर हों कि लोग मुझे मुड़कर देखें। मैं डॉक्टर नेहा आहूजा, आयुर्वेदिक चिकित्सक, आज हम बात करेंगे शिरोधारा। आयुर्वेद की एक ऐसी विधा है जो कि सदियों पहले हमारे आयुर्वेद के शास्त्र में लिखी गई थी। आज हम अगर बात करें तो शिरोधारा एक नए तरीके के हेयर स्पा है जो कि हमारे बालों के झड़ने को रोकता है, बालों को जल्दी सफेद होने से बचाता है। इसके अलावा हमें चिंता से मुक्त करता है, स्ट्रेस को रिलीव करता है और नींद को अच्छी लाने में मदद करता है। शिरोधारा का मतलब क्या है? शिरो यानी सिर, धारा यानी लिक्विड, यानी कि एक लिक्विड की धार को लगातार आधे से एक घंटे तक सिर पर गिराना ही शिरोधारा है। शिरोधारा प्रोसेस में अलग अलग तरीके के लिक्विड यानी कि द्रव पदार्थ लिए जाते हैं। वो ऑयल भी हो सकता है, वो तक्र धारा यानी कि बटर मिल्क भी यानी कि छाछ भी हो सकता है, मिल्क यानी शीर भी हो सकता है, या कोई काढ़ा या कुछ और। वो हमारे प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसका यूज किया जाता है। ऑयल भी प्रोसेस्ड ऑयल लिए जाते हैं, जिसमें कि जड़ी बूटियों से सिद्ध ऑयल लिया जाता है। छाछ या दूध को भी तरह तरह की जड़ी बूटियों के काढ़े के साथ पकाकर सिर पर लगातार धारा गिराई जाती है, और वो धारा हमारे आज्ञा चक्र यानी कि दोनों बाहों के बीच में जो जगह होती है वहां पर गिराई जाती है। हेयर फॉल की बात करें या आज के टाइम पर हेयर से रिलेटेड तरह तरह की प्रॉब्लम्स की बात करें, जिनमें हेयर फॉल भी है, डैंड्रफ भी है, स्प्लिट एंड्स यानी दो मुहे बाल भी हैं, डैंड्रफ के साथ साथ सर की त्वचा में खुजली होना वो भी एक समस्या है। इसके अलावा स्ट्रेस जो कि बाल झड़ने का एक प्रमुख कारण है वो भी शिरोधारा से दूर होता है। किसी किसी को बहुत ज्यादा जुकाम रहता है या जिनको कई सालों से एलर्जी रही हुई है उनके भी बाल जल्दी सफेद होते हैं या गिर जाते हैं, उसमें भी शिरोधारा बहुत इफेक्टिव है। ये हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक डिसाइड करते हैं कि आपको कौन से तेल या कौन से लिक्विड की धारा की आवश्यकता है, आपके स्कैल्प को किस तरीके के पोषण की आवश्यकता है। बाल तरह तरह के होते हैं, किसी के ड्राई हेयर्स होते हैं या किसी के बाल बहुत पतले होते हैं, लेकिन उनकी जो बालों की जड़ें हैं वो चिपचिपी होती हैं, किसी को दो मुहे बालों की परेशानी होती है। ये सभी प्रॉब्लम्स शिरोधारा से ठीक होती हैं। शिरोधारा किस तरीके से इफेक्ट करता है? हम और आप ये कहेंगे कि तेल तो हम रोज लगाते हैं, फिर हमें शिरोधारा की क्या आवश्यकता है, या छाछ से तो हम घर पर ही धो सकते हैं, फिर हमें शिरोधारा की क्या आवश्यकता है, या दूध तो मैं घर पर भी लगा लूंगी। लेकिन शिरोधारा की स्पेशलिटी ये है कि उसमें एक टेम्परेचर पे यानी कि हल्का गुनगुना करते हुए उस लिक्विड के टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए लगातार उस धारा को सिर पे डाला जाता है। ये ड्यूरेशन एक घंटा तक भी हो सकती है, 45 मिनट तक भी हो सकती है, आपकी डिजीज के अकॉर्डिंग। इसका फायदा ये होता है कि जो एक गर्म जो द्रव पदार्थ हमारे सिर पर डाला जाता है तो उससे हमारे बालों की जड़ों में रक्त का संचार बढ़ता है यानी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। उसका फायदा ये होता है कि बालों की जड़ों में एक पोषण प्राप्त होता है जो ब्लड के थ्रू पहुंचता है। इसके अलावा बालों की जड़ों में जो गंदगी फंस जाती है जो कि बाल झड़ने का भी कारण हो सकती है या सिरदर्द का भी कारण हो सकती है या बालों के सफेद होने का भी कारण हो सकती है, वो सभी लगातार धारा पड़ने से वो वहां के एक एक बाल की जड़ तक जाता है, उसकी हीट उसकी सफाई करती है बालों की जड़ों की। और जो वहां पर जो संग कहते हैं आयुर्वेद में कि कचरा फंस गया है उसे एक दूर करती है। धारा में जो तेल लिया जाता है वो औषधि युक्त होता है या जो छाछ ली जाती है वो औषधि युक्त होती है।
या कुछ भी काढ़ा लिया जाता है उसमें वो सब जड़ी बूटियों के गुण होते हैं। उनका फायदा ये होता है कि हमारे बालों के अकॉर्डिंग, अगर हमारे बाल ड्राई हैं या हमारे बाल चिपचिपे हैं या हमारे बालों में हीट बहुत रहती है, गर्मी बहुत लगती है, उसके अकॉर्डिंग जो काढ़े में दवाइयाँ डाली जाती हैं उसका इफेक्ट हमारे बालों पे आता है और हमारे बाल मजबूत होते हैं, उनको ब्लड सर्कुलेशन मिलने से जड़ें मजबूत होती हैं। बालों के सफ़ेद होने के लिए ये भी कहा गया है कि वो पित्त के कारण होते हैं, यानी कि सर की जो स्कैल्प है या सर में गर्मी बढ़ जाती है। कहते हैं कि आप अपने सर को कभी भी गर्म न रखें, उसको शिरोधारा से उस पित्त को कम किया जाता है, उस गर्मी को कम किया जाता है, जिससे कि बालों की अर्ली ग्रेइंग यानी कि जल्दी सफ़ेद होने की जो टेंडेंसी है वो ख़त्म होती है। इसके लिए तरह तरह के तेल या काढ़े यूज़ किए जाते हैं, भृंगराज है, आंवला तेल है, ब्राह्मी तेल है। आजकल हेयर फॉल का एक कारण स्ट्रेस भी है, स्ट्रेस बढ़ने से थायराइड भी होता है। आजकल महिलाओं को पीसीओडी की समस्या है या कहें कि कई महावारी संबंधित समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से वो हार्मोनल थेरेपी लेती हैं और बालों का झड़ना बढ़ता ही जाता है। स्ट्रेस को दूर करने में शिरोधारा सबसे ज़्यादा कारगर है। आजकल लोग काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि उन्हें नींद भी प्रॉपर नहीं आती है। कई लोग कहते हैं कि हमारे माथे पे एक तरीके से रील चलती रहती है जब हम सोते हैं और एक डीप स्लीप नहीं आ पाते। उसका प्रभाव धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है और बालों की क्वालिटी पर भी पड़ता है। इसका फायदा ये होता है कि जब वो शिरोधारा करते हैं तो वो आज्ञा चक्र पे जो धारा गिरती है तो वो हमारे नर्वस सिस्टम को बिल्कुल काम डाउन करती है। स्कैल्प की यानी कि सिर की त्वचा बहुत पतली होती है हमारी, वो तुरंत उस तेल या धारा के जो ड्रग्स होती हैं, जड़ी बूटियां होती हैं, उनको एब्सॉर्ब करती है और हमारा मन एक तरीके से शांत होने लगता है। हमारा नर्वस प्लेक्सस पूरी तरह कंट्रोल में आता है और स्ट्रेस एकदम रिलीव हो जाता है। महिलाओं की हार्मोनल या थायराइड की समस्या की बात करें तो वो सभी पिट्यूटरी ग्लैंड से कंट्रोल होते हैं जो कि हमारे आज्ञा चक्र के नीचे होती है। शिरोधारा से पिट्यूटरी ग्लैंड भी एक्टिवेट होती है और हमें हार्मोनल समस्याओं से रिलीफ मिलता है और यहाँ तक कि इनफर्टिलिटी में भी हम शिरोधारा कराते हैं। इसके अलावा एक समस्या जो कि बालों की जड़ों में बहुत ही कॉमनली पाई जाती है वो है स्कैल्प सोरियसिस, यानी कि बालों की त्वचा यहाँ से पूरे बाल सिर के नीचे से गिरती है, खिरती है, जिसे कि सोरियसिस ही आम भाषा में कहा जाता है। उसका प्रभाव यह होता है कि बहुत जल्दी बाल गिरने लगते हैं, बालों को पोषण नहीं मिलता। इस पद्धति में स्पेशली तक्रधारा की जाती है और उससे सोरियसिस मिटता है और नई त्वचा आती है। इसी तरह जिनको लंबे समय तक जुकाम रहने के कारण बाल झड़ते हैं, शिरोधारा में उनको नस्य थेरेपी और शिरोधारा जब साथ किया जाता है तो जुकाम में राहत मिलती है। जब हमारे बालों में शिरोधारा की जाती है तो उसकी गर्मी और जड़ी बूटियों के प्रभाव से वहाँ के जो रोम कूप है वो खुल जाते हैं। तो शिरोधारा के एक ये प्रभाव होता है कि उसके बाद जो हम पैक लगाते हैं वो अच्छी तरीके से काम करता है। उसके बाद आप कोई भी आंवला शिकाकाई का पैक या कोई भी पैक भी लगवा सकते हैं। और जो एक कंडीशनर का काम करता है, आजकल सभी शैम्पू के बाद कंडीशनर करते हैं, कंडीशनर का काम केवल बालों की ऊपर एक तरीके की सुरक्षा परत को बनाना है। शिरोधारा में जो तक्र धारा होती है या बटर मिल्क जिसको कहते हैं उसे एक बेस्ट कंडीशनर कहा गया है। बटर मिल्क का कैल्शियम या मिल्क का जो कैल्शियम होता है वो बालों के प्रोटीन से बहुत मिलता जुलता है। उसका फायदा ये होता है कि हमारे बालों के ऊपर एक सुरक्षा कवच बन जाता है जो कि तरह तरह के की हीटिंग प्रोसेस जो कि स्ट्रेटनिंग है, केराटिन ट्रीटमेंट है, हाईलाइटिंग है या केमिकल से जो हमारे बाल डैमेज होते हैं या रोज हमारे बाल पोल्यूशन को झेलते हैं उनसे हमारे बालों की रक्षा करता है। महर्षि वाग्भट ने बहुत ही सुंदर बात कही है शिरोधारा के लिए कि जो लोग शिरोधारा यानी कि सिर पर तेल की धारा डालते हैं या तेल लगाते हैं
वह न फालित्यम यानी कि उनके बाल जल्दी खाली यानी झड़ते नहीं है, न पालित्यम जल्दी सफेद नहीं होते, दीर्घ केश कृष्ण केश यानी बड़े बाल होते हैं, काले बाल रहते हैं और सिर के को बल प्रदान होता है। इसलिए आप सभी अपने आयुर्वेदिक पंचकर्म सेंटर पर जाएं और अपनी स्कैल्प और बालों की क्वालिटी के अकॉर्डिंग अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करें और ये डिसाइड करें कि आपके लिए किस कौन से तेल या कौन से लिक्विड की धारा उपयुक्त होगी और अब इस मॉडर्न जमाने में या मॉडर्न समय में आप एंशिएंट आयुर्वेदा के एक हेयर स्पा ट्रीटमेंट का बहुत अच्छे से लाभ ले सकते हैं। थैंक यू।